इंडिया को मिल गया एक और नीरज चोपड़ा, फेंकता है ऐसा भाला कि सामने वालों के हौसले हो जाते हैं पस्त। यूपी का यादव छोरा अब लाएगा गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा भी भाला फेंकने की रफ्तार देख चौंक गए और कह दी बड़ी बात। कई बार मेडल्स से चूके लेकिन अब की बार कर दिया कमाल। ऐसी पकड़ी रफ्तार की हवा में उड़ गए विरोधी और गाड़ दिया झंडा। यूपी के रोहित यादव ने मचा दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तहलका। अपनी प्रतिभा के दम पर बजा दिया यूपी का डंका। जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक की सनसनी और पदक वीर नीरज चोपड़ा को तो आप सब जानते हैं, लेकिन अब नीरज चोपड़ा के साथ साथ एक और ऐसा नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचा रहा है। यूपी के इस यादव छोरे ने ऐसा गदर काटा है कि इसकी रफ्तार और जैवलिन फेंकने के स्टाइल ने नीरज चोपड़ा को भी चौंका दिया है। नाम है इनका रोहित यादव, और रोहित की रफ्तार का कहर जब मैदान पर दिखता है तो विरोधी घबरा जाते हैं और मैदान पर उनके छक्के छूट जाते हैं। वैसे तो प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर तमाम गोल्ड मेडल्स में रोहित ने कब्जा जमाया है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रतिभा का डंका बज रहा है। रोहित यादव जिस भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं वो कमाल कर ही देते हैं। अब उन्होंने ऐसा झंडा गाड़ा है कि हर किसी की जुबान पर उन्हीं का नाम है। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा के साथ भी रोहित यादव ने अपना जलवा बिखेरा है और मेडल पर कब्जा किया है। जैवलिन थ्रो की प्रतियोगिता में कुल 34 एथलीट्स ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। मुकाबले में ग्रेनेडियन, जर्मनी, फिनलैंड, इजिप्ट, पाकिस्तान, US, जापान और भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा और रोहित यादव ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, और नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई करने के लिए 88.39 मीटर तो वहीं रोहित यादव ने 80.42 मीटर जैवलिन थ्रो किया था। अमेरिका में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहित ने नीरज के साथ पार्टिसिपेट किया था। जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा और रोहित यादव ने क्वालिफाई किया। भारतीय दर्शक अपने खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद लगाए हुए थे। फाइनल में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला था तो वहीं रोहित यादव पदक से चूक गए थे। वे 10वें स्थान पर रह गए थे और उन्हें वहीं पर संतोष करना पड़ा। रोहित ने पहले राउंड में 77.96 मीटर, दूसरे राउंड में 78.05 और तीसरे में 78.72 मीटर थ्रो किया था। रोहित यादव ने जैवलिन खेल की शुरुआत 2014-15 में की थी। 21 साल के रोहित ने खेल को जुनून बना लिया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रोहित यादव ने एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। तब से वो लगातार सुर्खियों का हिस्सा हैं। हर कोई रोहित को बधाई दे रहा है तो परिवार के लोग भी बेटे की इस उपलब्धि पर इतरा रहे हैं और रोहित से गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे हैं। रोहित भी अपनी तैयारी में लगे हैं और तैयारियों को पूरा करने के लिए वो जमकर पसीना बहा रहे हैं ताकि वो अपने परिवार, समाज और चाहने वालों की उम्मीदों पर खरा उतर सकें और तिरंगे कमान बढ़ा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।